महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ा उलटफेर सामने आ रहा है। गाहे बगाहे से कुछ ऐसी खबरें आई है जिसके सियासी मायने काफी ज्यादा निकाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में चित बहुजन आघाड़ी के संस्थापक प्रकाश अंबेडकर ने सोमवार को एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना वंचित बहुजन आघाड़ी और महाराष्ट्र में विपक्षी ब्लॉक महाविकास आघाड़ी के सभी घटकों के बीच गठबंधन करना चाहते हैं। वह इसके लिए काफी उत्सुक है। प्रकाश अंबेडकर ने मध्य महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गठजोड़ पर बातचीत चल रही है। अभी महाविकास आघाड़ी में शिवसेना का ठाकरे गुट, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। महाराष्ट्र में निकाय और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परपौत्र दलित नेता और पूर्व सांसद प्रकाश अम्बेडकर ने कहा, गठबंधन के लिए बातचीत जारी है। हालांकि विभिन्न मुद्दों पर एवीए सहयोगियों के बीच मतभेद है और अगले 10 दिनों में खुलकर सामने आएंगे। बता दें कि जोगेंद्र कवाड़े की अगुवाई वाली पीपुल्स रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता वाली शिवसेना समूह के गठबंधन की घोषणा के 2 सप्ताह से भी कम समय बाद अम्बेडकर का यह बयान कई मायनों में खास है। कवाड़े रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई के एक धड़े के प्रमुख है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के नेतृत्व वाले आरपीआई का एक दूसरा धड़ा भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है। प्रकाश अंबेडकर ने कहा, वह चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी में दूसरे दल गठबंधन में हो, इसके लिए उनके प्रयास जारी है। विपक्षी गठबंधन में वीबीए को चौथा भागीदार बनाने पर एनसीपी नेताओं के विचार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। 2018 में स्थापित वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष अंबेडकर ने 2019 के चुनाव में 12 लोकसभा सीटें आवंटित करने की अपनी मांगों को खारिज करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा, मुझे कांग्रेस में विश्वास नहीं है, वे 2029 चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 12 सीटों की मांग की थी जहाँ कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही थी, लेकिन उन्होंने वीवीए को नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा, एमवीए के गठबंधन सहयोगियों के बीच मतभेद है, वे 10 दिनों के बाद अधिक दिखाई दे। बता दें कि जोगिंदर कवाड़े की अगुवाई वाली पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ पार्टी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता वाले शिवसेना समूह के गठबंधन की घोषणा के 2 सप्ताह से भी कम समय बाद अम्बेडकर का यह बयान कई मायनों में खास है। वही आरपीआई के एक बड़े धड़े के वे प्रमुख हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के नेतृत्व वाला आरपीआई का एक बड़ा धड़ा भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है। इसलिए अटकलों का बाजार गर्म है कि हो न सके कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासी में अब उलटफेर न हो देखने को। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।